हेलो एवरीवन, इंफिनिटी क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिन चीज़ों के बारे में जानने जा रहे हैं वे हैं हेडर एंड फुटर, ड्रॉप कैप्स, बॉर्डर एंड शेडिंग, पेज सेटअप और कॉलम्स। ये सारे के सारे कमांड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़े हुए हैं और इनका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। यह एमएस वर्ड का सेकेंड वीडियो है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर एंड फुटर ये क्या होता है? आपने कभी कभार देखा होगा कि डॉक्यूमेंट या किसी बुक्स वगैरह में कोई सेंटेंस या कोई लेटर या कोई वर्ड बार बार हर पेज में, तो वैसा कोई सेंटेंस वैसा कोई वर्ड जिसे मुझे बार बार हर पेज में डालना है तो मैं उसके लिए जो है हेडर फुटर इस्तेमाल करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट कर रखा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ इंसर्ट मेनू में जाऊँगा। यहाँ हेडर फुटर कमांड जो अप्लाइड है आप देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट हेडर पर क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक प्लेस दिख रहा है। इस ब्लैंक पे प्लेस पर जो है मुझे मान लिया ये फिजिक्स का एक नोट्स है, तो फिजिक्स इंफिनिटी क्लासेस लिख देता हूँ ताकि ये मुझे जो है हर पेज पर जो है फिजिक्स इंफिनिटी क्लासेस जो है वह लिखा हुआ मुझे मिले। अब यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पेज वन में इंफिनिटी क्लास लिखा हुआ है। मैं इसे नीचे करता हूँ, आप देख रहे हैं। आप इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेज को नीचे ला करके मैं पेज को और एक दो बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे जो कंटेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा पेजेस में आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हर पेज में जो है ऊपर की तरफ एक कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ फिजिक्स इंफिनिटी क्लासेस दिख रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हर पेज में मुझे कंटेंट्स में एक टेक्स्ट इन्फिनिटी क्लासेस दिखाई दे रहा है। हेडर फुटर में ये तो रहा हेडर, अब फुटर क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो आप इस हेडर पर ही जो है डबल क्लिक करेंगे और यहाँ एक कमांड आपको दिख रहा होगा, गो टू फुटर। इस कमांड पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप फुटर पे चले जाएंगे। फुटर पर आने के बाद जो है हम यहाँ फुटर में अगर हम मुझे पेज नंबर डालना है तो हम यहाँ पर जो है पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और हमारे सामने जो है पेज नंबर दिख रहा है। पेज को स्क्रॉल करने पर हमें पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिकली दिखता रहेगा। हम इसे बाहर निकलने के लिए या तो क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक कर देंगे या फुटर या हेडर पर जाकर के हम एक बार डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वह हेडर फुटर को फिर से एक्टिवेट कर देगा और यहाँ से हम बाहर आकर के डबल क्लिक करेंगे तो हमारा हेडर फुटर जो है वो बंद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट कमांड है मार्जिन। इस कमांड को सीखने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में मार्जिन क्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ प्लेसेस कुछ स्पेसेस जो है आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लैंक स्पेसेस को हम जो है मार्जिन कहते हैं। चूंकि इस डॉक्यूमेंट में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए डॉक्यूमेंट थोड़ा सा सुटेबल नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं? हम इसके लिए जो है पेज लेआउट कमांड पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट कमांड पर जाने के बाद जो है हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पेज सेटअप कमांड जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे या हम मार्जिन पर जाएंगे। मार्जिन पर जाने के बाद हमारे पास ऑलरेडी जो है कस्टमाइज मार्जिन सेट हो रहे हैं। नॉर्मल मार्जिन हमारे पास जो है ये दिया हुआ है, इससे पतला मार्जिन इससे यहाँ पे है,
नॉर्मली जो हमारे यूज करने वाले मार्जिन जो है पहले से सेट होते हैं। अगर इस मार्जिन में से आपको किसी को चूज करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कस्टम मार्जिन पर जाएंगे। यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें सबसे पहले पेज सेटअप लिखा हुआ रहेगा। इस मार्जिन टैब पर हम जाएंगे और यहाँ टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों साइड से हम मार्जिन को अपने मन मुताबिक जो है कम या ज्यादा सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही हमारे डॉक्यूमेंट का मार्जिन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड कमांड जो है वो है कॉलम। अगर हमारा डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट एक कॉलम में, ठीक है, अब इसमें हमें दो कॉलम में डालना है, क्या करेंगे दो कॉलम में कर देंगे। हमारा पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट वह दो भागों में बढ़ जाएगा, हमारा जो पेज है वो दो भागों में बढ़ जाएगा और हमारा जो कंटेंट है वो इस दो भाग में जो है अलग अलग डिवाइडेड है। ये सेम टू सेम हमारे न्यूज़पेपर के कॉलम्स की तरह जो है ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर हमें किसी भी तरीके के कंटेंट्स को कॉलम में डिवाइड करना है तो आसानी से हम इसे जो है कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसमें जो है थ्री कॉलम्स तक जो है एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मोर कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हम कॉलम्स के बीच का गैप स्पेसिंग में और इसकी चौड़ाई दोनों को एडजस्ट कर, ठीक है, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा पहला कॉलम वह थोड़ा ज़्यादा हो और दूसरा कॉलम थोड़ा कम हो तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको चाहें तो अपने मन मुताबिक जो है खींच करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हम यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप्स कमांड का इस्तेमाल क्या होता है पहले देखते हैं। हमारे सामने एक वर्ड दिखाई दे रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हम चाहते हैं कि एटम वर्ड जो है इसका फर्स्ट लेटर जो है वह ड्रॉप कर जाए। ड्रॉप कैप्स का इस्तेमाल हम कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमें ड्रॉप कैप कमांड मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें तीन ऑप्शंस मिलेंगे ड्रॉप इन मार्जिन, तो हम पहले ड्रॉप पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो कंटेंट का पहला लेटर होगा वह तीन सेंटेंसेस में जो है फैल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में जाएंगे और आप इसे जो है तीन से जगह पर चार भी जा सकते हैं, ये हमारा जो है चार सेंटेंसेस में ड्रॉप होगा। तो यही हमारा जो है ड्रॉप कैप्स ऑप्शन। इसके बाद हमारा नया ऑप्शन जो है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में ही हम लोगों ने जो है मार्जिन को देखा था, लेकिन हमने कुछ और कमांड्स को नहीं देखा था, उन कमांड्स को भी हम लोग आज देख लेते हैं। सबसे पहले मार्जिन के बाद जो हमारा कमांड है दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब हमारा पेज जो है कभी कभार हमें काम जो है वह खड़े पेज पर करना होता है, तो कभी कभी हमें जो है पेज को घुमा करके काम करना। तो अगर हमारे पास नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होता है वो खड़े पेज में होता है, कभी कभार हमें लैंडस्केप पेज में जरूरत पड़ती है तो हमें पेज को पलटना पड़ता है, तो हम यहाँ पे केवल यहाँ लैंडस्केप पर चूज करके ओके करेंगे, हमारा पेज जो है वो डिवाइड, हमारा पेज जो है घूम करके जो है वह चौड़े हिस्से में आ जाए। इसके साथ साथ जो है हम साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमारा जो पेज का नॉर्मल साइज है वो हमारा A4 होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनमें से हमें जिनकी जरूरत होती है वो हिसाब से हम उसका सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पेज सेटअप कमांड में हमारे पास इतना ही कमांड्स है। हमारा नेक्स्ट कमांड है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बॉर्डर क्या होता है पहले ये हम बात करते हैं। हमें हमारे सामने जो है ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यह नॉर्मल डॉक्यूमेंट में जो है अभी हम पेज बॉर्डर को डालते हैं, बॉर्डर डालकर देखते हैं। तो हम यहाँ पर पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर पर क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने जो है कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ पेज बॉर्डर में हमारे पास जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप डिज़ाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन बॉर्डर्स को आपको डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा है, डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है या डिज़ाइन आपको नहीं डाल, मतलब लाइन वगैरह नहीं डाल,
तो आप यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं, इनमें से कोई एक इमेज भी जिसमें आप बॉर्डर के रूप में सेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए। बॉर्डर एंड शेडिंग का इस्तेमाल जो है हम लोग कैसे करते हैं यह पता हो गया। अब इसे अगर आप करना है तो बस आप इसको जो है यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ नन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, हमारा बॉर्डर जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ पे नहीं खत्म हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉक्स का और यहाँ पे एक लाइन सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे नन कर देंगे और उसके बाद हमारा ओके करेंगे, हमारा जो है डॉक्यूमेंट से बॉर्डर गायब हो जाएगा। नेक्स्ट हमने हेडर फुटर को तो देख लिया था, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट नहीं देखा, वो एडजस्टमेंट क्या है? तो इंसर्ट में हम जाएंगे, हेडर फुटर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब हम डबल क्लिक करेंगे हेडर को एक्टिवेट करेंगे तो हम यहाँ मार्जिन में जो है डबल क्लिक करके मार्जिन को ओपन करते हैं, हम यहाँ फुटर पर हेडर पर जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते ही हमारा जो है हेडर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हेडर फ्रॉम टॉप, यहाँ से हम हेडर के पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हेडर का पोजीशन अच्छी जगह पर नहीं है, अपने आप में जो है सर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसके जगह को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो है डॉक्यूमेंट एड्रेस हो जाता है तो हम जो है तो हम लोड कर देंगे, हमारा हेडर फुटर जो है वो एडजस्टेड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वीडियो से फायदे मिल सके। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।